कि क्या इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ बाइलेटरल सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि टॉप क्लास बैटिंग और टॉप क्लास बॉलिंग का एक कंपटीशन देखने को मिले। देखिए, ये तो मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, मेरे जज्बात जो है ना वो बिल्कुल नहीं बदले हैं। कोई माइका लाल मेरा व्यू पॉइंट बदल नहीं सकता है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि बहुत होनी चाहिए सीरीज, बायलेटरल होनी चाहिए और इसमें पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेस्ट में सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद हिस्सा रहे इंडिया के खिलाफ मैचेस में। बिल्कुल, चलो इंडिया पाकिस्तान की सीरीज दोबारा होनी चाहिए, वर्ल्ड कप या एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा आपकी जो है बायलेटरल सीरीज होनी चाहिए ऐसी। पाकिस्तान और जो इंडिया की जो सीरीज है बायलेटरल सीरीज, वो जरूर होनी चाहिए। या पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्लेयर से पूछे वो यही बोलेगा कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज आपस में होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान के अंदर मिठाइयां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, वाह वाह हो रही है। अब इंडिया और पाकिस्तान की टीम जो है वो मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे, और ये इंडिया के कप्तान ने कह दिया ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं आप लोगों को अभी भी गारंटी दे रहा हूँ। स्पोर्टिंग बैलेट जो है उसमें मैं इंडिया पाकिस्तान को हमेशा चाहूंगा कि वो खेले, हमेशा बायलेटरली खेले, इंटरनेशनली खेले, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे खेले, भारत में खेले, पाकिस्तान में खेले। सौरभ भाई कहीं खेल लो, जहां का मौसम अच्छा है, दुबई खेल लो, अबू धाबी, कतर में खेल लो। हुकूमतों चाहिए कि पाक भारत टेस्ट सीरीज अनाउंस करे, इसको देखे, ताकि जो है वो मजा आए जरा क्रिकेट खेलने का हमसायों के साथ। इंडिया की जो पोजीशन है वो जरा सुन लीजिए, वो लोग ये कहते हैं कि दहशतगर्दी करने वालों के साथ हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, चाहे दुनिया के अंदर किसी भी इवेंट के अंदर हो। अब तो वो आईसीसी के इवेंट के अंदर भी आप लोगों का बॉयकॉट करने वाले हैं। जरा होश के नाखून लो, और ये मिठाइयां जो तुम लोग जाहिलों तकसीम कर रहे हो, जरा इसके ऊपर नजरसानी करो, अपने पैसे क्यों जाया कर रहे हो। ये जो बायलेटरल सीरीज है ये सिर्फ बीसीसीआई की और इंडियन गवर्नमेंट की वजह से नहीं होती, जिन्होंने खौफ फैलाया हुआ है जानबूझकर, जैसे पूरी कौम को लगाया हुआ है। हुकूमत भी भीख मांग रही है, पूरी कौम भी भीख मांग रही है इंडिया से क्रिकेट खेलने के लिए, आईपीएल के अंदर हमारे खिलाड़ियों को खिलवा लो। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, गैरतमंदी का मुजाहरा करें, बेगैरती का मुजाहरा नहीं करें। कि क्या इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ बायलेटरल सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि टॉप क्लास बैटिंग और टॉप क्लास बॉलिंग का एक कॉम्पिटिशन देखने को मिले। देखिए, ये तो मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, मेरे जज्बात जो है ना वो बिल्कुल नहीं बदले हैं। कोई माइका लाल मेरा व्यू पॉइंट बदल नहीं सकता है। इसी तरह से इंडिया पाकिस्तान के मेरे व्यूज बहुत देर से बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि फैंस क्यों सफर करे, आप जैसा फैन क्यों सफर करे, आप पोलिटिकल विक्टम क्यों बने क्रिकेट में और क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे। तो मैं तो ये चाहूंगा कि बहुत होनी चाहिए सीरीज, बायलेटरल होनी चाहिए और इसमें पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। देखे ना, आपके मेरे हाथ में कुछ ना कुछ तो ठीक है, माना कि आप बैलेट बॉक्स से अपना लीडर पिक करते हैं, मगर पॉलिसीज जो हैं वो बनाते हैं, उसमें हमारा अमल दखल बहुत कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है एज सिटीजंस ऑफ द कंट्री। स्पोर्टिंग बैलेट जो है उसमें मैं इंडिया पाकिस्तान को हमेशा चाहूंगा कि वो खेले, हमेशा बायलेटरली खेले, इंटरनेशनली खेले, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे खेले, भारत में खेले, पाकिस्तान में खेले। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेस्ट में सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद हिस्सा रहे इंडिया के खिलाफ मैचेस में। बिल्कुल, बायलेटरल सीरीज भी होनी चाहिए, और रोहित शर्मा जैसे ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको शाइन ने हमेशा पहले उन्होंने क्लीन बोल्ड किया है, एलबीडब्ल्यू किया है, तो उन्होंने एक चीज स्टेटमेंट कही कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट पूरी दुनिया में आउटस्टैंडिंग है, मगर वो तभी होते हैं जब उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है। तो इंडिया पाकिस्तान की सीरीज दोबारा होनी चाहिए, वर्ल्ड कप या एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा आपकी जो है बायलेटरल सीरीज होनी चाहिए ऐसी, दुबई में हो या कहीं पर भी हो, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे आप, कब क्रिकेट खेलेंगे तो वर्ल्ड कप में और बड़ी टीमों में कॉम्पिटिशन में आएंगे। मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा एक मजबूत स्टांस लिया, उन्होंने कहा कि इंडिया को पहले यहाँ पर आना होगा पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट की बहाली के लिए। आपको लगता है कि इंडिया यहाँ पर आएगी ताकि पाकिस्तान और क्रिकेट, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट के रवाबित जो है वो बहाल हो सके? नहीं, देखिए बायलेटरल सीरीज होगी अगर तो आप दुबई में खेल सकते हैं या दूसरे वेन्यू पे ग्राउंड बन रहे हैं, आज कतर में देखें आप, सऊदी में क्रिकेट शुरू होगी, हर जगह क्रिकेट हो रही है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में, क्योंकि पॉलिटिकल इशू तो ऐसे चल रहे हैं, मगर तो क्या आपको लगता है इंग्लैंड जो ऑफर दी है वो काबिल कबूल हो सकती है? जो पहले भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान की कुछ सीरीजें जो है वो इंग्लैंड ने जो होस्ट की थी। जी, इंग्लैंड में बिल्कुल नेशनल सीरीज और भी जीरो सीरीज होती है वहाँ पर, उसमें इंग्लैंड ने अगर दी है तो वहाँ पर इंडिया को होना चाहिए और पाकिस्तान को भी होना चाहिए। वो एक ऐसा वेन्यू है कि वहाँ पर मैचेस हो सकते हैं और हमेशा पाकिस्तान इंडिया के मैच होंगे तो क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट और क्रिकेट की बहाली के लिए जो है वो एक चार्म पैदा होता है। क्योंकि जब तक आप देखें वर्ल्ड कप में एक तो मैचेज आते हैं, अभी जैसे जून में वर्ल्ड कप का मैच आएगा तो एक आधी मैच आता है इंडिया पाकिस्तान का, उसके लिए हाउसफुल हो चुके हैं उस क्रिकेट के लिए, उस मैच के लिए। तो ऐसी जो है वॉलेटल सीरीज होगी, ऐसे वेन्यू पे मैचेज हो जहाँ इंडिया पाकिस्तान और भी जो है सीरीजें खेलता रहा है, पास में शारजा में, कनाडा में और बाहर भी दिग्गज बांग्लादेश में भी, तो दोबारा अगर बहाली होगी क्रिकेट की तो उसमें अच्छा एक इम्प्रूवमेंट होती है और क्रिकेट में चाम रहेगा दुनिया की क्रिकेट। पाकिस्तान और जो इंडिया की जो सीरीज है बायलेटरल सीरीज, वो जरूर होनी चाहिए। या पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्लेयर से पूछे वो यही बोलेगा कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज आपस में होनी चाहिए। हमेशा जब भी बायलेटरल सीरीज की बात होती है, पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ये इशू नहीं उठाया गया कि हम इंडिया के साथ बायलेटरल सीरीज नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान की तरफ से हालात की बात ही नहीं होती है,
कि जी हालात खराब हैं, ये है वो है, हम सीरीज नहीं खेलना चाहते। हमेशा जो बात होती है कि जी दोनों मुल्कों के हालात अच्छे नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, ये पहले सही करने की जो है वो जरूरत है, वो इंडिया की तरफ से होती है। ये अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती या इंडिया पाकिस्तान को इंडिया में नहीं बुलाता तो पाकिस्तान को कोई इशू नहीं है इस चीज का। पाकिस्तान तो कहता है कि भाई किसी डिफरेंट वेन्यू पे खेल लो, उस जगह पे भी इंडिया के जो बीसीसीआई है वो खेलने के लिए तैयार नहीं होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी मना नहीं किया, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कभी भी मना नहीं किया कि हम खेलना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम्स वहां से होती है कि जी आप ये हैं, आप फलाना है, आप पता नहीं किस किस किस्म के जो है वो लोग वर्ड्स यूज करते हैं। हम तो हर टाइम रेडी हैं, हम तो आईसीसी में भी रेडी हैं टूर्नामेंट्स के, हम तो बायलैटरल सीरीज में भी रेडी हैं, हम डिफरेंट वेन्यू में भी रेडी हैं, हम हमेशा हाइब्रिड की भी बात कर लेते हैं कि चलो यार हाइब्रिड का सिस्टम कुछ बन जाए। एशिया कप में जिस तरह बात चल रही थी कि यार कम से कम आपस में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए जिसकी वजह से जो ये नाराजगियां हैं, जो सख्तियां हैं, ये कम हो। हम तो हर टाइम कोशिश करते हैं। ये जो बायलैटरल सीरीज है ये सिर्फ बीसीसीआई की और इंडियन गवर्नमेंट की वजह से नहीं होती, जिन्होंने खौफ फैलाया हुआ है जानबूझकर। बीसीसीआई ये समझता है कि अगर हमारी वैल्यू ज्यादा है, हमारे पास स्पॉन्सर बहुत है, लोग बहुत आएंगे देखने, ठीक है पैसा बहुत ज्यादा आएगा, तो हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के साथ खेलें और इनके मजे लग जाएं, इनके इनको पैसा मिले बहुत ज्यादा। जो कि मुझे ऐसा लगता है 100 में से 75% यही सोच हो सकती है कि यार हम इनके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, पैसा बहुत आ जाएगा, हमारी वजह से इनके पास पैसा क्यों है। सही है, ये वजह है। पूरे पाकिस्तान के अंदर मिठाइयां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, वाह वाह हो रही है। अब इंडिया और पाकिस्तान की टीम जो है वो मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे और ये इंडिया के कप्तान ने कह दिया ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आप लोगों को अभी भी गारंटी दे रहा हूं, कोई भी इंडिया के किसी भी खिलाड़ी से कोई बात करे, खासतौर पर कप्तान हो या कोई और खिलाड़ी हो, वो यही जवाब देगा, इसके अलावा और कोई जवाब नहीं देगा। पाकिस्तान के अंदर मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई, लोग लुड्डियां डालनी शुरू हो गए, भंगड़े डालने शुरू हो गए कि इंडिया की तरफ से एक बयान आ गया, वीडियोज बन रही है, क्या हो गया, जमीन आसमान एक कर दिया, पाकिस्तान इंडिया की सीरीज शुरू होने वाली है। वो भाई उन्होंने एक सवाल किया माइकल वॉन ने और एडम गिलक्रिस्ट ने और उसने ये वाला जवाब दे दिया कि भाई इनके वो क्या और क्या कहता, इसके अलावा क्या बुराई करता, फिर वो लोग उसको कैसे रोस्ट करते। इस तरह की चीजें बड़े लेवल के ऊपर नहीं होती, उसकी जानिब से यही कहा जाना था और यही उसने कहा। इंडिया की जो पोजीशन है वो जरा सुन लीजिए, वो लोग ये कहते हैं कि दहशतगर्दी करने वालों के साथ हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, चाहे दुनिया के अंदर किसी भी इवेंट के अंदर हो। अब तो वो आईसीसी के इवेंट के अंदर भी आप लोगों का बॉयकॉट करने वाले हैं। जरा होश के नाखून लो और ये मिठाइयां जो तुम लोग जाहिलों तकसीम कर रहे हो जरा इसके ऊपर नजर सानी करो, अपने पैसे क्यों जाया कर रहे हो। कोई इंडिया से पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं होने वाली और जब तक ये मामला हल नहीं होते आपकी क्रिकेट बहाल नहीं होगी, ना आईपीएल के अंदर। सारे पाकिस्तानी लगे हुए हैं कि आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्यों नहीं लिया जाता, भीख मंगों की तरह, जैसे पूरी कौम को लगाया हुआ है, हुकूमत भी भीख मांग रही है, पूरी कौम भी भीख मांग रही है इंडिया से क्रिकेट खेलने के लिए, आईपीएल के अंदर हमारे खिलाड़ियों को खिलवा लो। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, गैरतमंदी का मुजाहरा करें, बेगैरती का मुजाहरा नहीं करें। जो गैरतमंद लोग होते हैं वो अपने पांव के ऊपर खड़े होते हैं, अपनी पीएसएल को बचाते हैं या आपने अपनी पीएसएल की रेड लगाई हुई है। क्या हाल हुआ है आपकी पीएसएल का कि 10 PSL 10 की विंडो निकलने के लिए इस वक्त जगह नहीं है। जिस तरह PSL 9 हुई है जिसके अंदर रेलू कट्टे भी नहीं आए, उस रेलू कट्टों से भी गए गुजरे खिलाड़ी आए हैं, तो आप जरा सोचिए कि इस गरीब लीग और इस बेबस PSL ने आपको क्या, आप लोगों ने क्या हाल कर दिया है। वो लोग IPL को कहां से कहां लेकर जा चुके हैं, आप लोगों ने अपनी एक PSL नहीं संभाली, आपसे अपनी पाकिस्तानी टीम नहीं संभलती और लगे हुए क्या है इंडिया को मैचेस खेलेंगे। अगर हो भी गया कुत्तों की तरह वो आपको हरा देगा टेस्ट मैच, फिर रोते गाते अपनी अपनी जो है वो जख्मों को चाटते हुए नजर आओगे। इस तरह बाइज्जत कौम जो है वो इस तरह नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती। आप लोगों को बाइज्जत कौम अगर बनना है तो सबसे पहले अपनी गैरत का मुजाहरा करें और अपने पांव के ऊपर खड़े होएं और दूसरों से भीख मांगना छोड़ दें, अपने बलबूते के ऊपर काम करें। पूरी कौम जो है वो किसी ना किसी तरह भीख मांगों की तरह आगे पीछे लगी हुई है, किसी ना किसी तरह कोई ना कोई आसरा हो जाए, हुकूमत के लेवल से लेकर आम आदमी तक हर कोई सिर्फ मांगने के ऊपर लगा हुआ है। इंडिया से कोई मिल जाए, कोई ऐसा कुछ हो जाए, कोई भीख के अंदर आपको T20 वर्ल्ड कप दी जाए, कोई चैंपियंस ट्रॉफी दी जाए, कोई आपको जो है एशिया कप दी जाए, कोई वर्ल्ड कप दी जाए, ऐसे नहीं। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि हमको बायलैटरल सीरीज खेलना है इंडिया के साथ, क्योंकि ये दोनों एक टीम है टॉप क्लास बैटिंग वाली, एक दूसरी टीम है टॉप क्लास बॉलिंग वाली। इंडिया को लोग टॉप क्लास बैटिंग वाले समझते हैं और पाकिस्तान को टॉप क्लास बॉलिंग वाले समझते हैं, लेकिन इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज हो, क्योंकि इस हिसाब से उनका दहशतगर्दी चलता रहता है। उसके हिसाब से इंडिया गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगा बायलैटरल सीरीज के लिए, क्योंकि बिना इंडियन गवर्नमेंट के कोई भी सीरीज बीसीसीआई नहीं कराना चाहेगा और ये चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल चीज में आना नहीं चाहिए। पॉलिटिकल चीज तो हर चीज में है, चाहे पॉलिटिक्स क्रिकेट में हो, चाहे गेम्स में हो,
चाहे कुछ भी ट्रेड में हो, सब चीज में पॉलिटिक्स चलता है, पॉलिटिक्स तो हर चीज में रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि जब तक ये टेररिस्ट जो भी चीजें है सॉर्ट आउट नहीं हो जाते, तब तक बायलेटरल सीरीज नहीं होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।